अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। भारत की चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत बताते हुए इसे अपनी जमीन होने का दावा करता है। तिब्बत को भी चीन ने 1950 में हमला कर अपने में मिला लिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता है। चीन के साथ सीमा साझाकरण को 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला पूर्वी, दूसरा मध्य और तीसरा पश्चिमी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ईस्टर्न यानी पूर्वी सेक्टर में सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई 1,346 किलोमीटर है। उत्तराखंड और हिमाचल मिडिल सेक्टर में तो लद्दाख पश्चिमी सेक्टर में चीन के साथ सीमा साझा करता है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया है, लेकिन चीन इससे इनकार करते हुए दावा करता है कि तिब्बत, जो वर्तमान में चीन का हिस्सा है, उसके दक्षिणी हिस्से अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कब्जा है। तवांग मठ भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, जहां छठे दलाई लामा का जन्म 1683 में हुआ था। दरअसल 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी, क्योंकि ये क्षेत्र ना ही कभी अंग्रेजों का और ना ही कभी मुगलों के अधीन रहा। लेकिन साल 1914 में अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तवांग मठ मिलने के बाद सीमा निर्धारित करने का फैसला किया गया। उसके बाद 1914 में शिमला समझौते के तहत तिब्बत, चीन और ब्रिटिश अधिकारों के साथ बैठक में सीमा निर्धारण करने का फैसला किया गया। शिमला समझौते में भी चीन ने हर बार की तरह तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं माना। वहीं कमजोर राष्ट्र देखते हुए ब्रिटिश अंग्रेजों ने दक्षिणी तिब्बत और तवांग को भारत में मिलाने का फैसला किया। दक्षिणी तिब्बत और तवांग को भारत में मिलाए जाने से नाराज चीन ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि वहां के नागरिकों ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला बोलकर अपने में मिला लिया। क्योंकि तिब्बत में बौद्ध धर्मों को मानने वाले अधिक थे, इसलिए चीन चाहता था कि बौद्धों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल तवांग पर उसका अधिकार रहे। इसलिए चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता है। दिसंबर 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखौटा माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा था कि चीन सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के चीनी, तिब्बती और रोमन नाम जारी किए हैं। रिपोर्ट्स में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन ने जांगनान, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है, उसके रिहायशी स्थानों, नदी और पहाड़ समेत कुल 15 इलाकों के नाम बदले हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने साफ करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। नए नाम रख देने से तथ्य नहीं बदल जाता। अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन समय समय पर भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे का भी विरोध करता रहा है। चीन की ओर से इस आपत्ति पर भारत हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। इसलिए भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे पर सवाल उठाना कहीं से भी तर्कशील नहीं है। अक्टूबर 2021 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। इस पर चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे सीमा विवाद और बढ़े। इससे पहले भी चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे का विरोध किया था। चीन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर भी आपत्ति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।